नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी। कलेक्टर मौगंज अजय श्रीवास्तव द्वारा शुक्रवार 9 अगस्त को राजस्व महाअभियान के संबंध में जनपद सभागार नईगढ़ी में बैठक ली गई। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव द्वारा राजस्व महाअभियान 2.0 की समीक्षा बैठक कर लंबित राजस्व प्रकरणों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पटवारी राजस्व अधिकारियों, रोजगार सहायकों एवं पंचायत सचिवों की बैठक लेकर कहा कि राजस्व महाअभियान को मूर्त रूप देने के लिए समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने नक्शा तरमीम, EKYC, नामांतरण जैसे कार्यों के प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा कि यदि प्रति पटवारी योजनाबद्ध तरीके से मामले निपटाते हैं तो राजस्व महाअभियान में बेहतर प्रगति आ सकती है। प्रतिदिन 50 से 100 EKYC करें। सभी पटवारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक आपस में एक टीम भावना के साथ कार्य करें तो राजस्व महाअभियान के परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। उन्होंने कहा कि मऊगंज जिले में 148 पटवारी है, यदि योजना बनाकर पेंडिंग कार्य को पूर्ण करने का टारगेट बनाकर कार्य करें तो परिणाम अनुकूल आएंगे। कलेक्टर श्री ने श्रीवास्तव राजस्व महाअभियान में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा तरमीम में प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों की KYC 31 अगस्त तक 100% करने को कहा। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारियों विशेष प्रयास करें और इस दिशा में प्रगति लाएं। KYC एवं खसरा लिंकिंग करने के लिए पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक एक साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि KYC नक्शा तरमीम नामांतरण के साथ जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है उस संबंध की रिपोर्ट समय पर देना है, जिससे न्यायालयीन प्रकरणों का निपटारा समय पर हो सके। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव द्वारा PM किसान संबंधित पेंडिंग कार्यों की जानकारी ली गई और पेंडिंग कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए। राजस्व का महाअभियान चल रहा है, इसमें गांव-गांव में हम लोग राजस्व के मामले निपटाने के लिए अभियान चला रहे हैं, जिसमें रेवेन्यू कोर्ट में जो केसेस लंबित हैं नामांतरण के, बंटवारे के, अगले दुरुस्ती के, उस पर फोकस कर रहे हैं। साथ में नक्शा तरमीम जो फील्ड में होना बाकी है उसका अभियान चल रहा है और EKYC जो होना है उसका भी अभियान चल रहा है। तो हमने पटवारियों की, साथ में सचिव और GRS, हमारे CO हैं, हमारे तहसीलदार हैं, सब लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, और निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिदिन इसमें एक टारगेट बना करके काम करना है और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। जो छोटे छोटे काम पेंडिंग हैं वो सारे इस अभियान के दौरान निपट जाएं, ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग इसके लाभान्वित हो जाएं, केवल आंकड़ेबाजी ना रहे, वास्तविक काम करके हम इसको पूर्ण करें। तो ये निर्देश दिए हैं और मैं समझता हूँ हम बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें लेकर के आएंगे। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ है, इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं कि गांव-गांव तक उत्साहपूर्वक इस अभियान को मनाना है और अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ना है। और रक्षाबंधन पर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि हमारी लाडली बहना हैं उनको सभी को इसमें जोड़ करके, और 19 तारीख को रक्षाबंधन है, तब तक लगातार एक उत्सवपूर्ण माहौल चलेगा और जो भी कार्यक्रम ऐसे होंगे उसमें लाडली बहनाओं को आमंत्रित किया जाए, उनसे राखी बंधवाई जाए, उनको कुछ उपहार वगैरह दिए जाए, ये सारा कार्यक्रम हम लोग बहुत उत्साहपूर्वक संचालित कर रहे हैं।